हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी PGDCA की पढ़ाई कर रहे हैं और आप अगर अदर कोर्सेस या ब्रांचेस से हैं तो आपको दिक्कतें आ रही होंगी। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टर्बो C++ आप डाउनलोड कर लेंगे क्रोम ब्राउज़र से, उसके बाद इसे डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। अब आपको स्टार्ट टर्बो C++ पे क्लिक करना है, आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले बेसिक चीज़ बता दूं, अगर आप इसे इस तरीके से बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा अलर्ट, उसके साथ में एंटर। अलर्ट प्लस एंटर आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। अगर आपने कोई प्रोग्राम की कोडिंग की है या फिर आप इस होम टैब से बाहर आना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है अलर्ट प्लस एक्स। जब आप इसे प्रेस करेंगे तब आपको ये एक पॉपअप मेन्यू शो करेगा जिसमें यस, नो और कैंसिल लिखा होगा। आप उसे चूज़ करके इससे बाहर आ सकते हैं, बाहर होम पेज पे। उसके बाद जैसे कि हम माउस से सेलेक्ट करते हैं कोई भी, जैसे न्यू फाइल ओपन करनी हो या फिर हमें प्रोग्राम रन कराना हो, कंपाइल करवाना हो, जो भी करवाना हो, तो इसे आप बिना माउस की मदद से कैसे करेंगे? इसके लिए आपको प्रेस करना होगा अलर्ट प्लस स्पेस, जो स्पेस बार होती है उसे, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा और आप एरो की मदद से इस तरीके से इधर उधर जा सकते हैं और जो भी आपको ओपन करना है उसे एंटर प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। अब आप जैसे अगर चाहते हैं, आपने अलर्ट प्लस स्पेस क्लिक किया है और आपके सामने में अलग अलग मेन्यूज़ आ गई, तो आप उसे कैसे बाहर करेंगे? आपको कीबोर्ड में टॉप में ESC लिखा हुआ है, उसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे वो ऑप्शंस आपकी हट जाएंगी और आप जो स्क्रीन पर देख रही हैं ये मेन्यू आपके सामने में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं न्यू विंडो ओपन हो, इसके लिए आपको अलर्ट प्लस स्पेस बार, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है न्यू और एंटर करना है। इस तरीके से आपके सामने में नया विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जो भी आपकी कोडिंग है जैसे कि हैज़ इंक्लूड और लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर stdio.h, दोस्तों यहाँ पर STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, और यहाँ पर जो H दिया गया होता है वो आपकी हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात आप जो भी कोड यहाँ नीचे लिखेंगे, जो भी फंक्शंस नीचे लिखेंगे, वो इन्हीं हेडर फाइल्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि अगर आप stdio.h के लिए लिखेंगे नीचे में प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारी कोडिंग इसी हेडर फाइल के अंदर आती है। साथ ही यहाँ पर दूसरा फाइल्स होगा stdio.h जैसे है, वैसे ही conio.h या फिर math.h, string.h, इस तरीके से अलग अलग हेडर फाइल्स होती हैं। अलग अलग हेडर फाइल्स का काम अलग अलग है, उसमें अलग अलग टाइप की फंक्शंस होती हैं। जैसे कि conio.h में क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, गेट CH होल्ड करने के लिए, इस तरीके से अलग अलग फंक्शंस होती हैं। तो हम आज यहाँ पर एक बेसिक फंक्शन बनाकर देखना चाहते हैं, बेसिक प्रोग्राम बनाकर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोड लिखेंगे हैज़ इंक्लूड stdio.h, उसके बाद फिर से हैज़ इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन सिंबल के अंदर में conio.h। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो भी लेटर्स यहाँ लिखी हैं इसे एक साथ डिलीट करना है तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस डिलीट की, एक साथ कंट्रोल प्लस डिलीट की प्रेस करते ही ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर void main, void मतलब खाली, main एक फंक्शन है जो कि खाली है, कोई भी रिटर्न वैल्यू आपको नहीं देता है। अगर int main लिखा होता तो यहाँ पर आपको जो main फंक्शन है वो आपको integer वैल्यू रिटर्न करता। तो उसके बाद curly bracket लगाएंगे, उसके बाद प्रिंट एफ ब्रैकेट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो चाहे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है हाई ज्ञान, उसके बाद ब्रैकेट बंद और सेमी कॉलम। यहाँ पर प्रिंट एफ स्क्रीन में जो भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे वो आउटपुट दिखाने के लिए होता है, और जो सेमी कॉलम होता है वो इस फंक्शन को एंड करने के लिए यूज़ में आता है। अब यहाँ पर गेट CH फंक्शन का यूज़ आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है जब तक कि यूज़र के द्वारा कोई इनपुट की ना प्रेस किया जाए। करली ब्रैकेट लगा करके अब इसे हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद अलर्ट प्लस स्पेस बार का यूज़ करके हम रन वाले ऑप्शन तक जाएंगे, एरो बार यूज़ करके कंपाइल करेंगे सबसे पहले उसे। अगर यहाँ पर वार्निंग या फिर इरर्स आती हैं तो दिक्कतें होती, लेकिन यहाँ पर कोई भी इरर नहीं है, कोई वार्निंग्स नहीं है। उसके बाद हम इसे रन करके देखेंगे तो इस तरीके से हमें आउटपुट स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हाई ज्ञान, जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे हम यहां से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम इसे दोबारा से रन करेंगे तो ये आउटपुट हमें दोबारा दो बार देखने को मिलेगा। इस तरीके से अगर हम तीसरी बार भी करेंगे तो हमें ये आउटपुट तीन बार देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके से ये आउटपुट हमें नहीं चाहिए, हमें आउटपुट सिर्फ एक ही बार चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा क्लियर स्क्रीन, ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे दोनों साइड से, उसके बाद सेमी कॉलन।
अब हम इसे एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। ज़ीरो एरर्स, ज़ीरो वार्निंग्स। अब इसे हम रन करके देखेंगे। जैसे हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमें दूसरा आउटपुट देखने को मिलेगा, सिंगल आउटपुट, जो कि आपका हाई यान लिखा रहेगा। तो इस तरीके से आपको एक आउटपुट देखने को मिलेगा। जितनी बार भी आप इसे रन कर लीजिए, सिर्फ आपको एक बार ही स्क्रीन पर आउटपुट देखने को मिलेगा, रिपीटेड आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।